नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है पहाड़ी मनमोहन सिंह में, और मैं हूँ मनमोहन सिंह। तो अभी हम निकल रहे हैं घर के लिए, और अभी मैं सामान तैयार कर रहा हूँ और डिस्ट्रिक्ट डोडा के लिए जा रहे हैं, क्योंकि मैं लेके जा रहा हूँ 2 दिन की छुट्टी। और अभी हम यहाँ पे हमारी जो कि बाइक है, ये देखिए बाइक, अभी हम इस पर सामान डालेंगे और कैंपिंग का सामान लेके जा रहे हैं, क्योंकि हम वहाँ पर कैंपिंग करेंगे और बहुत मज़ा आने वाला है वहाँ पर कैंपिंग करने में, और मौसम भी अच्छा है। और इस बाइक पे हम सामान डालेंगे, आपको दिखाएंगे, और क्या क्या सामान लाया है वो तो आपको पता ही है। बस वहाँ पे चलते हैं, कहाँ रुकेंगे, कहाँ खाएंगे, वहाँ सब दिखाएंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। जिस चीज़ ने कमेंट नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब करें। तो फाइनली गाइज, अभी हमने सामान पैक कर दिया है और अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं। तो आपको एक दृश्य दिखा देते हैं कि हमने कैसा सामान पैक किया है। तो आप देख सकते हैं, हमने अपना सामान पैक कर दिया है, चेयर वगैरह सब कुछ लगा दी है। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, अब मिलते हैं अगला स्टेशन, देखते हैं कहाँ रुकते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, वो सब दिखाएँगे आपको। आज जर्नी रहेगी जम्मू से डोडा तक, अपने गाँव तक। तो दोस्तों, अभी हम घर से निकल चुके हैं और अभी हम पहुंचे हैं टोल प्लाज़ा, और अभी हम आपको दिखाते हैं, मेरे पीछे आप बाइक देख रहे हैं। तो गर्मी बहुत है और अभी हम निकल रहे हैं, तो गर्मी में बार बार हमें रुकना पड़ रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है।
तो ये देखिए हमारी बाइक की हालत, हमने पूरा पैक करके रखा हुआ है, साथ में हमने स्टैंड भी रखा है, चेयर भी रखी हुई है और ये अच्छी तरह से बांध के रखा हुआ है। निकल रहे हैं अभी हम यहाँ से और गर्मी बहुत है तो धीरे धीरे चल रहे हैं अभी। और साथ में ये देखिए, हाँ हाँ हाँ। फाइनली गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं उधमपुर में और उधमपुर क्रॉस कर दिया है और यहाँ का नाम जो है कि वो बली नाला है, बली नाला में पहुँच चुके हैं। और मौसम अभी इतना ज़बरदस्त हो चुका है कि मैं आपको क्या बताऊँ, जैसे ऐसा लगता है कि हम जन्नत में पहुँच चुके हैं। तो आइए हम दिखाते हैं छोटा सा यहाँ से कि हम कहाँ पहुँचे हैं और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कॉमेंट करें। तो गाइज़ आपके सामने ये है उधमपुर और बहुत ही ज़बरदस्त, और ये देखिए बली नाला और सामने उधमपुर, और उधमपुर हमने क्रॉस कर दिया है। जस्ट हम यहाँ पे हाईवे नेस्ट मिनी के पास हम रुके हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पे अभी हम थोड़ा सा कोल्ड ड्रिंक वगैरह जूस पियेंगे और जूस की रेडी यहाँ पे दिख रही, तो अभी हम जूस पियेंगे फिर यहाँ से निकलते हैं। तो बने रहें हमारे साथ पहाड़ी मनमोहन सिंह के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो हेलो दोस्तों, अभी हम पहुँच चुके हैं जो कि बटोत में, बटोत से 5-7 किलोमीटर जो नीचे जगह पड़ती है वहाँ पर पहुँचे हैं और बहुत ही अच्छी जगह है। और मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ के विजुअल, और दीदार के पेड़ हैं, बहुत ही मज़ा आने वाला है। और इन हसीन वादियों में हम पहुँच चुके हैं, तो कुछ यहाँ का नज़ारा आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपके सामने कुछ ऐसा मंज़र, और ये सब आपके लिए ही है, और आइए और लुत्फ़ उठाइए कितना मज़ा है यहाँ पे। और ये रही हमारी रानी, जो कि रानी के ऊपर सामान हमने पैक करके रखा हुआ है। रानी अभी जा रही है लॉन्ग ड्राइव पे। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही हैं तुम्हें। सो गाइस वेलकम ऑल ऑफ यू इन आवर भद्रवाह, इट्स सो ब्यूटीफुल। तो फाइनली गाइज अभी हम आ चुके हैं बटोत में, आप मेरे पीछे देख सकते हैं बटोत में अभी हमारी गाड़ी चल रही है और आगे का दृश्य अभी हम दिखाएंगे। तो ये कुछ ऐसा खूबसूरत सा व्यू जो कि अपने नेशनल हाईवे पे है, और अभी हम आगे बढ़ते हुए, बहुत ही मज़ा है यहाँ पे। और ठंडा जगह है, ठंडा इलाका है बटोत, और आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त यहाँ पे व्यू आ रहा है। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही हैं तुम्हें, और कितना ज़बरदस्त यहाँ पे दीदार के पेड़ आप देख सकते हैं कितने अच्छे हैं यहाँ पे। गाइस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठंडा मौसम है जम्मू में, ऐसे ही लोग गर्मियों में सड़ते हैं यार। पहाड़ियों में आओ, पहाड़ियों में मज़ा लो, जिंदगी जीने का मज़ा तो पहाड़ियों में है। ये देखिए आप, आहा, फुल नज़ारा है यहाँ पे, और यहाँ के लोग भी बहुत हेल्पफुल हैं। और ये भाई लोग आगे आगे चलते हुए और हम इनके पीछे पीछे, और आप देख सकते हैं दूर दूर कितनी अच्छी पहाड़ियाँ हैं। और अब बारिश लगने की संभावना है, तेज़ हवा चल रही है। भाई लोग बीच में नहीं रोकने का भाई। बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आया यहाँ पे, और आप ये देखिए कितना ज़बरदस्त है यहाँ पे व्यू, देखिए व्यू गाइस, ये देखिए। और यहाँ पे इफ्टी भरते हुए लोग, तो फाइनली गाइस अभी हम पहुँच चुके हैं बग्गर गनोता में, और यहाँ पे रुके हैं जो कि है पंजाबी ब्रदर्स, जो कि आप डिस्ट्रिक्ट डोडा के लिए जा रहे हैं तो बीच रास्ते में बग्गर में मिलता है। तो आइए यहाँ का कुछ विजुअल आपको दिखाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। और पंजाबी ब्रदर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ब्रदर्स वैष्णो ब्रदर्स, तो आइए। तो गाइज ये रहा ब्रदर वैष्णो ढाबा जो कि गनोता में है, और
अंदर का सीटिंग पोजीशन आपको दिखा दूं, तो ये 100% जो है वेज है और आप यहाँ पे आ सकते हैं। और ये जो ब्रदर हैं ये मिलेंगे आपको यहाँ पे, और सीटिंग का यहाँ पे ये बहुत अच्छा यहाँ पे, और यहाँ का नज़ारा बाहर का ले सकते हैं, लुत्फ़ उठा सकते हैं यहाँ पे। और ये है वैष्णो ब्रदर ढाबा गनोत्ता बग्गर में। तो ये रहा इनका किचन, और मैं आपको बताता चलूं कि ये 24/7 जो कि खुला रहता है। और यहाँ पे क्या क्या स्पेशल है, राजमा चावल और नान लस्सी और चाय यहाँ पे 24/7 आपको मिलेगी। और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया हुआ है, आप कॉन्टैक्ट को कर सकते हैं, इनसे कॉल पे बात कर सकते हैं। अगर आपके पास 3-4 सवारियाँ हैं या 3-4 लोग आ रहे हैं तो आप कॉल करके इनको ऑर्डर भी दे सकते हैं, ये ऑर्डर पे भी खाना प्रिपेयर कर देंगे आपके लिए। और बहुत ही ज़बरदस्त वैष्णो ब्रदर्स। तो फाइनली गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं घर में, और बहुत ही सुकून आया घर पहुंच के, और मैं अभी अपने रूम में हूँ और बहुत मज़ा है। अब हम नहीं के बनाए खाना, वो तो आपको दिखाएंगे।